दिन देखिए एकदम कभी यहाँ कभी वहाँ। हेलो, इसको चेक कर दिया तुमने? ठीक है, बात सरकार से निकम्मा सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखी है कि उसको इंसाफ मिलेगा। हमारे जिला अध्यक्ष थे रंजीत सिंह जी, युवा मोर्चा का जेवीएम का, और वहाँ पर बनूर में वो वर्ष काम लिए थे शेडिंग का, उस पर अपना काम चला रहे थे। उसको वहाँ पर कोई धमकी दे रहा था, पता नहीं, हमको नहीं मालूम है पूरा। मगर एसपी साहब से जैसा यहाँ आने के बाद पता चला कि एसपी साहब से वो अपना बराबर टाइम मांग रहे थे कि हमको आपसे बात करना है, इसका ऐसा मैटर है। मगर एसपी साहब नहीं टाइम देने के कारण आज सुनते यहाँ पर आने के बाद पता अभी चला कि एसपी साहब से आज भेंट किया था, यहीं भेंट करके वो शेडिंग में किया था। बहुत दुखी घटना है, और यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, और यहाँ पर जो गुंडागर्दी चल रहा है धनबाग में वर्षोर सिंह के नाम से, इस पर रोक लगाया जाना, तो झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम जो है आंदोलन करने का काम करेगा, और हत्यारा को जल्द से जल्द पकड़ के उसको सराखों के पीछे से उसको सजा देने का काम करेगा। आज क्या हुआ था घटना? सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि जब कोई भी पब्लिक अगर उनसे समय मांग रहा है, नेता मांग रहा है समय उनसे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और उसको हमारा साथ में ऐसा धमकी दिया जा रहा है, उस पर प्रशासन अगर समय नहीं दे पा रहा है, फिर दुर्भाग्य की बात है। अगर घटना होने के बाद अगर प्रशासन एक्टिव होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो गुजरने वाले गोली मार दे, उसका बाल बच्चा क्या होगा, उस पर कौन ध्यान देगा? प्रशासन ध्यान देगा क्या? इसलिए प्रशासन जो यहाँ से निकम्मी प्रशासन है, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, जेवीएम जगत विकास मोर्चा आंदोलन करके काम करेगा। अच्छा, आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था जो गोली मारा गया, कहाँ पे थे? ये शेडिंग में किए थे अपना गोलूडी में, वहीं पर गोली मारा गया, उस पर वहाँ से लौट रहे थे रास्ता में। क्या कुछ पता चल पाया, कितने गोली चलाया गया था? अभी कुछ पता नहीं चला है। गाड़ी पे 3 गोली का निशान दिख रहा है, निशान है गाड़ी पर, देखे अब उसको के गोली लगा, अभी हम लोग तो नहीं देख सकते, देख छू सकते ऐसे पूरा पोस्टमार्टम को, इसलिए सरकारी मामला है, इसलिए उसको तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा कौन गोली लगा है। Thank you.
है क्या कहते हैं? हम केवल ईवीएम के जुड़ा हुआ जो घटना है उसका जिक्र कर रहे हैं। 16 तारीख को 16 जुलाई को गौरा में आदि जाटों के ऊपर हमला किया जाता है, थाना में केस होता है, हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती। 20 जुलाई को रुपेश पासवान को गोली लग मारी जाती है और वो घायल होकर जीवन और मौत का अभी भी वो मैंने संघर्ष कर रहा है और वो घायल है। वो भी नामजद अभियुक्त तौर पर एफ आई आर करता है, पहचानता था, एफ आई आर करता है, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी नहीं होती। हमारे कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के लोगों को लेकर थाना का भी घेराव किया था। हम लोगों ने इसको लेकर 16 अगस्त को यहाँ पर जिला मुख्यालय में धरना दिया था कि जो नामजद अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी हो। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दो बार SSP से बात की है कि उसकी गिरफ्तारी की, आज भी वो 10:30 बजे बात की है कि जो नामजद अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी आप क्यों नहीं कर रहे, आपसे बात होती, आप क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे। तो ये बताता है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद की जो पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन जो भी है वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो इतना कहने के बाद भी आज जैसा कि मालूम हुआ, अभी कुछ मेरे पास समाचार नहीं है, लेकिन जो जानकारी में आया है कि वो 2 बजे SSP से मिले हैं और पिछले 7 दिनों को SSP से मिलने का प्रयास कर रहे थे। क्या आवेदन दिए हैं SSP से मिलकर वो? अब वो तो अपने क्योंकि वहाँ पर थे नहीं, उन्होंने SSP से मिलकर आवेदन दिया है। सुरक्षा की गुहार लगाई थी? सुरक्षा की गुहार लगे, जिन लोगों ने उनको फोन किया उसका कॉल नंबर भी दिया, जो कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता हमको बता रहे हैं, उनका नंबर दिलीप चौधरी महामंत्री बता रहे हैं कि नंबर भी दिया SSP, सारा चीज को बताया। उसके बाद भी यदि गोली चल जाती है, SSP से मिलने के बाद जाने क्रम में गोली चलती है तो प्रशासन का क्या हाल आप समझ सकते हैं। इसी विरोध में, इस कड़ी के विरोध में विपक्ष के साथ लेकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष से बात हुई, मार्क्सिस्ट के जिलाध्यक्ष से बात हुई, राजद के जिलाध्यक्ष से बात हुई, सभी विपक्षी दल और वामपंथी और दलों से CPI से बात हो रही है। सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर SSP को अविलंब हटाने की मांग पर कल धनबाद में हम लोग धनबाद बंद का कॉल कर रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के साथ कल धनबाद बंद रहेगा और हम लोग मांग करते हैं कि धनबाद के SSP को अविलंब हटाया जाए। ये झारखंड विकास मोर्चा रणनीति रहेगी, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है, आउटसोर्सिंग कंपनी और पुलिस की मिलीभगत दिख रही है। एकदम मिलीभगत है, पैसा नहीं मिल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। किस तरह से पुलिस की कार्यशैली और आउटसोर्सिंग कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया? पुलिस पूरी तरह से माफियाओं अपराधियों से मिली हुई है ना। झारखंड का यहाँ तक मुख्यमंत्री का यहाँ से उगाही हो रहा और खुला शरण छोड़ दिया है अपराधियों माफियाओं को कि मैंने पैसा आए, चुनावी कलेक्शन चल रहा है। और धनबाद SP तो एक मिनट भी धनबाद में बने रहने लायक नहीं है। जिस ढंग से लोगों को धमकी मिल रहा है, लोगों को गोली मारा जा रहा है, चाहे व्यापारी हो, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और 3-3 SP जिस जिला में हो उस जिला के मैंने ये स्थिति है कि आदमी सुरक्षित नहीं है। ये भी और SSP के पास टाइम नहीं है लोगों से मिलने का, सबसे बड़ा बात टाइम नहीं है उनके पास मिलने का। ये भी गए थे मिलने के लिए 2 दिन पहले, ये टाइम मांगे थे SSP रंजीत सिंह ने मुझसे ही बताया था कि SSP 1:30 बजे टाइम दिया और 1:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक इंतजार करते रहे, नहीं मिला। फिर उसने बात किया तो फिर दूसरे दिन मिलने के बाद तो दूसरे दिन मिले, आज जा करके आज SSP से अभी जो हमारी बात हुई उसके अनुसार आज ही मिले। क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारी का धन्यवाद धनबाद SP को एक पल भी, मनोज रतन चौथे को एक पल भी बने रहने का अधिकार नहीं है। धनबाद के SSP जैसे जो 3 पद हैं यहाँ पर, इन लोगों को बाथरूम सफाई का काम SP लोगों को लगा देना चाहिए। जितना जिस जिले में बाथरूम है सब सफाई कराओ, यही सब कराओ, तुम लॉ एंड ऑर्डर संभालने लायक नहीं है ये सब SP, एकदम हर मामले में फेल है। ऐसे नहीं प्लीज, वो इडियट्स लोग को क्लिक कीजिए जो लोग पैसा खा के बैठे रहते हैं 24 घंटे उसके पास कभी नहीं होता है मिलने के लिए पब्लिक से, ऑफिस में जाके 2 घंटा बैठे रहिए तब वो आएंगे।
24/7 weeks of the day is bind by the public. मनोज रतन चौटे को ये बात पहुंचा दीजिएगा। इसे नहीं है। प्रोटेक्शन नहीं मिला उनको। ये बात पीछे रहो। चलो चलो बंद कर दे तो। चलो इस तरह।